हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक कराड़े सर फ्रॉम फोटोन एकेडमी ऑफ साइंस। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th के वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन कर दिया जाएगा। आप इसे ध्यान से देखते चलिए। इसे हमने सीरियल वाइज न रखते हुए हमने इसे हार्ड चैप्टर टू इजी चैप्टर रखा गया है। जैसे सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम 2 का यूनिट 8 एटम लेने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। हमारा वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो आज की जो वन शॉट वीडियो की सीरीज है, इसमें हमने सबसे पहले एटम को इंट्रोड्यूस किया है। तो एटम को आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड या गाइगर मार्टसन का एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग संबंधित था, जिसे हम देखने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसने रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या किया था। ये देखिए, उनने एक सर्कुलर स्क्रीन लिया था, एक सर्कुलर चैम्बर टाइप का बोल सकते हैं आप इसको। ये सर्कुलर चैम्बर, ये चैम्बर स्टार्टिंग से आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड से ऊपर था। इसमें इसने क्या किया था, बीचों बीच में इसने एक गोल्ड फॉइल लगाई थी, सोने की एक पतली पन्नी लगाई थी गोल्ड फॉइल, जिसकी जो थिकनेस थी, मोटाई थी, वो थी अप्रोक्सीमेटली, कई लोग थिकनेस को टी बोलते हैं, कई लोग टी बोलते हैं, इसकी थिकनेस थी 10^-8 मीटर। इतना पतला, जैसा कि एक जाला मिठाई पे लगने वाला, एक जो सिल्वर कलर का जो लेयर रहती कि नहीं, वो कि आप उसको फूकोगे तो फट जाएगा, ऐसा एक बिल्कुल नॉर्मल सा एक पतला सा जाला टाइप का। इतने पतली उसने गोल्ड फॉइल लिया था। इस गोल्ड फॉइल को अगर वो एयर में रखता तो एयर अगर ब्लो होती तो फट सकती थी, इसलिए उसने इसको वैक्यूम चैम्बर में करना पसंद किया। तो ये वैक्यूम चैम्बर था। इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो एक सर्कुलर स्क्रीन थी, सर्कुलर स्क्रीन, ये एक सर्कुलर स्क्रीन थी, आपको देखना चाहिए। इस सर्कुलर स्क्रीन का लेफ्ट पोर्शन ओपन था, उस ओपन पोर्शन के जस्ट सामने पे उसने एक कोलिमीटर का यूज किया। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली रदरफोर्ड और उसके दो हेल्पर गाइगर मार्टसन ने किए थे, इसलिए इसको रदरफोर्ड या गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था। देखिएगा, तो ये कोलिमीटर लगा था। कोलिमीटर क्या काम करता है ये भी हम देखेंगे। और कोलिमीटर के सामने एक लीड कैविटी थी, जिसको आप शॉर्ट में सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, लेड कोलिमेटर क्या करता था, अल्फा पार्टिकल को बीम फॉर्म प्रोवाइड करता था। क्या करता था? बीम फॉर्म प्रोवाइड, पतले से पतला रूप प्रोवाइड करता था। तो गाइगर, मार्टसन और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, आपने देखे, एक वैक्यूम चेंबर लिया। उस वैक्यूम चेंबर के सेंटर पे उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लगाया, जिसकी थिकनेस या मोटाई जो थी वो 10^-8 मीटर थी, एक जाली के बराबर। उसके जस्ट सामने का लेफ्ट वाला पोर्शन हिस्सा ओपन था, उसके सामने उन्होंने लेड कोलिमीटर का यूज किया। लेड कोलिमीटर के सामने उसने लेड कैविटी, जिसे हम सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो जैसे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग होने के लिए, जैसे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से निकला, तो कोलिमीटर ने उससे बीम फॉर्म प्रोवाइड किया, और बीम फॉर्म प्रोवाइड करते हुए अल्फा पार्टिकल आपका पहुंचा गोल्ड फॉइल पर, और गोल्ड फॉइल पर पड़ के इसने अपना स्कैटरिंग शो किया। ओके, ये उसका है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो आपको सबसे पहले इसको तीन पैराग्राफ में खत्म करना होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना होगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको ये बताना पड़ेगा कि रदरफोर्ड और उसके टू हेल्पर्स गाइगर मार्टसन ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक वैक्यूम चैम्बर लिया था, उसमें एक सर्कुलर स्क्रीन थी, जिसके सेंटर पे एक गोल्ड फॉइल लगाया गया, जिसकी थिकनेस 10^-8 मीटर थी। उसके सामने कोलिमीटर लगा था, और कोलिमीटर के जस्ट सामने फ्रंट में एक लेड कैविटी, जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। कोलिमीटर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को बीम फॉर्म प्रोवाइड करता है, बीम मतलब पतले से पतला फॉर्म। ये जाके जैसे ही आपके गोल्ड फॉइल पे पड़ता है, तो अल्फा पार्टिकल अपना स्कैटरिंग दिखाता है, पर हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर आपको उसको नेकेड आई से देखना है, तो आपको उसको अंदर से ZNS कोटेड कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर्कुलर स्क्रीन ZNS कोटेड। अगर आप उसको ZNS कोटेड करोगे, तभी आप उसको देख पाओगे, ये चीज आपको बननी चाहिए। ओके, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा।
तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब दूसरा जो पैराग्राफ आएगा हमारा वो आएगा ऑब्जर्वेशन का, कि उन लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, कि रदरफोर्ड और उसके हेल्पर गाइगर मार्शल ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो उन लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो हम देखने वाले, देखिए आप सभी कि गोल्ड फॉइल है। तो उनने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया उनने ये पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। ये देखिए ये कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए, भटक गए। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए। अगला उनने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जहां से गए उन्हें वहीं से लौट के आना पड़ा। और अगला उसने ये भी पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए। ओके, आपको चीज क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको तीन ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा कि सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए फ्रॉम देयर पाथ, सम अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बाय सेम पाथ, अपने सेम रास्ते से वापस रिटर्न हो गए, और सम अल्फा पार्टिकल इजीली पासेस बाय गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से इजीली पास हो गए। ये आपको ऐसे तीन ऑब्जर्वेशन देने पड़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि आखिर निष्कर्ष, कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, है ना। इससे देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये बताएंगे कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो सीधे निकले, देखिए कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आपको बताना पड़ेगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकले। तो देखिए ये गोल्ड फॉइल आपको दिख रही है, तो ये गोल्ड फॉइल में शॉर्ट में बना दे रहा हूं, आप समझिएगा इसको। ये देखिए ये गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स है, ये बहुत सारे एटम्स, मैं पर्टिकुलर किसी एक एटम को बना लेता हूँ। तो देखिए ये कोई एक एटम है, एटम का सेंटर न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है, क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल आया होगा उसने स्टार्टिंग में, अल्फा पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग है न्यूक्लियस से, जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या कर दिया अल्फा पार्टिकल ने उसे, न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज जब अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या हुआ कि एटम का मैक्सिमम भाग होलो था, एटम का मैक्सिमम भाग क्या हो गया, अंदर से खोखला, इसलिए कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ये दिख रहा होगा आपको ब्लू लाइन से, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ये हम कंक्लूजन देख रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकले। तो आप बताएंगे कि जब अल्फा पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉनों को, देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, जब अल्फा पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज कर दिया तो एटम का मैक्सिमम भाग होलो हो गया, तो होलो पार्ट से कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, है ना। तो आपका पहला कंक्लूजन मिल गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकले। दूसरा कंक्लूजन था कुछ अल्फा पार्टिकल अपने जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आए, तो ये भी देखेंगे हम। तो हुआ क्या होगा, देखिए हुआ ये होगा कि न्यूक्लियस था होलो एटम के अंदर और ये अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल एटम के पास आने की कोशिश किया होगा, उसने होलो एटम में एंटर भी हो गया होगा, पर अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस ने उसको रिपेल किया होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है इसलिए न्यूक्लियस ने उसको रिपेल किया, जिससे अल्फा पार्टिकल गया जिस रास्ते से, लौटा भी रिपेल हो गया उसी रास्ते से। तो आपको ये बताना होगा कि अल्फा पार्टिकल रिपेल क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको फुली ढंग से रिपेल कर दिया था। और थर्ड, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिवेट हो गए। अब अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिवेट क्यों हुए, भटके क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल जब एटम के पास आया तो उसकी एनर्जी जब कम थी, कुछ अल्फा पार्टिकल जिनकी एनर्जी कम थी, तो न्यूक्लियस ने उसको रिपेल किया, न्यूक्लियस ने उसको क्या कर दिया, रिपेल। देखिए अल्फा पार्टिकल कम एनर्जी के साथ, मिनिमम एनर्जी के साथ जब आया तो उसकी एनर्जी कम थी, इसलिए न्यूक्लियस ने उसको रिपेल करने की कोशिश किया, जिससे वो डिवेट हो गए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल अपने से डिवेट वही हुए जिनकी एनर्जी कम थी। ओके, ऐसे तीन ऑब्जर्वेशन आपको जो आपने लिखे थे उसके तीन कंक्लूजन आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, कि एटम का मैक्सिमम भाग होलो था इसलिए कुछ अल्फा पार्टिकल उससे सीधे निकल गए, न्यूक्लियस ने जब अल्फा पार्टिकल को स्ट्रॉन्गली रिपेल किया तो अल्फा पार्टिकल गए भी उसी रास्ते से और रिटर्न भी उसी रास्ते से हुए, और तीसरा जब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम हुई तो न्यूक्लियस ने उसे रिपेल किया जिससे वो अपने रास्ते से डिवीट हो गए। इस टाइप से आपका ये अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग मॉडल खत्म होता है। हमारी स्पीड थोड़ी सी हमें तेज रखना पड़ेगा, क्योंकि इस लेक्चर को अगर हम चलाते हैं तो हमें कम से कम 5 से 6 मिनट में ये लेक्चर खत्म होते पूरे एटम्स के, पर हम वन शॉट वीडियो नाम दिए हैं इसलिए हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी, हमें इसी में खत्म करना होगा क्योंकि हमें आपको अदर चैप्टर्स भी करवाने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं तो उन डेफिनेशनों को भी हम देखेंगे। जो डेफिनेशंस है हमारी वो है पहले नंबर पे क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको नियरेस्ट अप्रोच भी कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच या नियरेस्ट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन, इसको आइए समझते हैं। क्या होता है जब
एटम का मैक्सिमम भाग होलो हो जाता है। तो एटम का जब मैक्सिमम भाग होलो होता है तो ये रहता है उसका सेंटर न्यूक्लियस रहता है। तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होलो एटम के अंदर इंटर होता है। अल्फा पार्टिकल होलो एटम के अंदर क्या होता है, इंटर, ये देखिए। फिर सेम चार्ज के कारण न्यूक्लियस उसको रिपेल करता है। न्यूक्लियस उसे क्या करता है, रिपेल। अल्फा पार्टिकल होलो एटम के अंदर जब इंटर होता है तो न्यूक्लियस उसे क्या करता है, न्यूक्लियस उसे करता है रिपेल, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल एक पॉइंट से लौटना पड़ता है अल्फा पार्टिकल। तो जिस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल लौटा उस पॉइंट से लेकर न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। व्हेन अल्फा पार्टिकल इंटर्स इन होलो एटम, अल्फा पार्टिकल जब होलो एटम के अंदर इंटर होता है देन न्यूक्लियस रिपेल अल्फा पार्टिकल, तब न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है। एज अ रिजल्ट अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स फ्रॉम अ पॉइंट, देन सेपरेशन बिटवीन रिटर्निंग पॉइंट ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं और इसी को हम आर नोट से या किसी किसी बुक में स्मॉल डी नोट से भी शो किया गया है, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट नंबर दो क्वेश्चन वाला जो डेफिनेशन आती है इसकी इंपॉर्टेंट, वो है इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर एक्चुअल में होता क्या, देखिए आप समझिए। ये गोल्ड फॉइल थी, तो हमने देखे कि गोल्ड फॉइल में कुछ पैरामीटर में अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जहां से गए वहां से लौट के आए, और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से क्या हो गए, डिविट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से क्या हो गए, देखिए डिविट हो गए। तो जिस पैरामीटर में अल्फा पार्टिकल ने अपना स्कैटरिंग शो किया, जिस पैरामीटर में अल्फा पार्टिकल ने अपना स्कैटरिंग शो किया उसी पैरामीटर को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये देखिए जितना पैरामीटर, ये जिसमें येलो हाईलाइटर चला रहा हूँ ये पैरामीटर। तो जिस पैरामीटर में अल्फा पार्टिकल ने अपना स्कैटरिंग शो किया उसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नियरेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, तो देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समय बहुत ही कम है इसलिए हमें फास्ट मोशन से आगे बढ़ना होगा। तो ये क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का आपको फॉर्मूला बताना है, तो देखिए आप सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लोजेस्ट अप्रोच का जब हम फॉर्मूला दे रहे हैं तो हम ये पाएंगे, लिखिएगा आप सभी, कि एटम है, एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस। एटम का सेंटर क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। ये चीज आप याद रखिएगा। अब अल्फा पार्टिकल देखिए, अल्फा पार्टिकल आपको भी क्लोजेस्ट अप्रोच के डेफिनेशन बताया था कि अल्फा पार्टिकल होलो एटम के अंदर आ जाता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, होलो एटम के अंदर आ जाता है, फिर एक पॉइंट से उसको लौटना पड़ता है। तो जिस पॉइंट से लौटा वो उस पॉइंट से लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कहलाता है क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर ऑफ एटम होता है, जिसका चार्ज आप जानते हैं जेड ई होता है। क्या होता है, जेड ई, जेड मतलब एटमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये है आपका अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा का जो चार्ज होगा ये क्यू अल्फा होगा यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो आप डिस्क्रिप्शन तो आप लिख ही देंगे इन गिवन फिगर, जेड इक्वल्स टू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्यू अल्फा इक्वल्स टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, आर नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा। आप जानते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, क्या होती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम यहाँ लगा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको अभी हमने तुरंत में इक्वेशन बन देती है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो आप जानते ही हैं कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो पोटेंशियल जो होगी वो होगी 1/4πε0 Q1, Q1 की जगह आ जाएगा अल्फा का चार्ज और Q2 की जगह आ जाएगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अभी मैं न्यूक्लियस लिख रहा हूँ ना, देखिएगा अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर नॉट आएगा। अब आप जानते हैं कि क्यू अल्फा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से दो गुना होता है। क्या होता है, अल्फा का चार्ज इलेक्ट्रॉन से दो गुना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4πε0 को हम के लिख सकते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, क्यू अल्फा की जगह हमने लिख दिया 2e, और न्यूक्लियस का चार्ज आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज है जेड ई, के अपॉन में हो जाएगा आपका आर नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा के 2 सामने कर देते हैं जेड ई, और ई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आर नॉट।
कि आपका पोटेंशियल एनर्जी आके रेडी हो गया। हर बुकों में पोटेंशियल एनर्जी को उनने अलग अलग ढंग से लाके दिखाए है। ओके, तो आपको उसे ध्यान देना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो आप जानती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए इक्वेशन नंबर वन में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को रख दिया जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन वन आप देख पा रहे होंगे, इक्वेशन वन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी है। तो इक्वेशन वन आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते ही, आपने देख ही लिया है आपका, टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर नॉट होगा, टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर नॉट बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो आर नॉट का फॉर्मूला निकालना है तो आर नॉट आ जाएगा ऊपर और टू के जेड ई स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। किसी किसी बुकों में, दिनेश में जनरली यही दिया हुआ है, तो किसी किसी लोग ने इसको और आगे बढ़ाना पसंद किया है, जैसे कि दो को ऊपर पहुंचा दिए, तो टू टू जब फोर के जेड ई स्क्वायर के अपॉन में हो जाएगा एम बी स्क्वायर। कई कई लोगों ने ये भी लिखना पसंद किया इसे आर नॉट इक्वल्स टू, तो कई कई लोगों ने और इसे और अच्छे से लिखा है आर नॉट इक्वल्स टू फोर रहेगा रहेगा। के की वैल्यू आप जानते हैं, के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जेड ई स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर। तो फोर से फोर काट दिया गया, तो कई कई लोगों ने आर नॉट इक्वल्स टू लिख दिया जेड ई स्क्वायर के अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर। तो कई कई जगह आपको थोड़ा अजीब ढंग से भी देखने के लिए मिलेगा, पर हेस तीनों के तीनों ही फॉर्म सही। ओके, तो ये आपका क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे खत्म होता है। हम एक डेफिनेशन और देखने वाले हैं यहाँ पे, जो डेफिनेशन है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो ये देखिए, ये गोल्ड फॉइल थी, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल जहां से आए वहीं से लौटे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए। क्या हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल जिस नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में, देखिए ये जो लाइन आई फिर डेविएट हुई, तो हमने यहाँ से एक नॉर्मल लाइन पढ़ दी है, तो नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा पार्टिकल जिस एंगल से स्कैटर्ड हुए, नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा पार्टिकल जिस एंगल से स्कैटर्ड हुए, नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा पार्टिकल जिस एंगल से स्कैटर्ड हुए, उसी को कहेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, ये चीज आप याद रखना कि एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड स्कैटर्ड रे, ठीक है, नॉर्मल बीम बोल सकते हैं, नॉर्मल बीम एंड स्कैटरिंग बीम के बीच में जो एंगल बना उसी को एंगल ऑफ स्कैटरिंग के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम, देखिए फिगर से तो आपको दिख रहा होगा ये कोई एटम है, इस एटम का सेंटर न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, इनके बीच में जो सेपरेशन और ये आर सेपरेशन बराबर भी है रेडियस के, ये दोनों के बीच में सेपरेशन रेडियस के बराबर है, आर के बराबर है। तो जब वेन टू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिटल, जब दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं ऑर्बिटल में, देन देयर आर टू फोर्सेस वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे टू फोर्स वर्क करेंगे, नंबर वन करेगा कूलम्ब फोर्स, दो चार्ज के बीच में, टू चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्ब फोर्स होता है, जो होता है F इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज आप जानते ही, बट आप ये भी जानते हैं कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन को हम K कूलम्ब कांस्टेंट कह सकते हैं, और क्यू वन और क्यू टू दोनों बराबर है इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन है दोनों। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू K क्यू वन की जगह E, क्यू टू की जगह E अपॉन आर स्क्वायर, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये आपका इक्वेशन नंबर वन आ गया। और दूसरा फोर्स काम करता है सेंटर के कारण बाहर, सेंटर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स वो होता है एफ इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर टू आ गया है। तो अब हम इक्वेशन वन और टू को के एफ को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में जो एफ है उसको कंपेयर कर देंगे टू के एफ से। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एक और दो से, तो एक और दो से क्या होगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू हो गया के स्क्वायर,
स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया के स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम दोनों तरफ 1/2 का इंटू कर दे तो हाफ एम वी स्क्वायर आपका बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ इन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 1/2 इन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ 1/2 का मल्टीप्लाई करने पे हम देखते क्या होता है, देखिए हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ बोलो के स्क्वायर अपॉन आर हो गया, तो हाफ एम बी स्क्वायर को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ के स्क्वायर अपॉन आर, या आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के रेडी हो गया। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो देखिए फॉर पोटेंशियल एनर्जी तो आप जानते वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इक्वल्स टू एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क, जो वर्क होता है आप जानते ही 1/4πε0 होता है, Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा 1/4πε0 को हम K मानेंगे, Q1 की जगह E, Q2 की जगह रियल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रियल चार्ज माइनस होता है अपॉन R। और 11वीं क्लास में अपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के समय भी पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव नेचर की रहती है, इसलिए हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रियल लिया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये छोटे नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का नेचर हमेशा पॉजिटिव और पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। अब रही बात हमें टोटल एनर्जी निकालने की, टोटल एनर्जी भी हम निकला देते हैं, देखिए ये निकला देते हैं टोटल एनर्जी भी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ के स्क्वायर अपॉन आर और पोटेंशियल हो गया माइनस के स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1, तो बराबर हो जाएगा देखिए आपका के स्क्वायर अपॉन आर रहेगा रहेगा ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू देखिए के स्क्वायर अपॉन आर बाहर है 1/2 में से 1 जाएगा तो -1/2 माइनस आ जाएगा सामने, तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस हाफ के स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका टोटल एनर्जी आके रेडी हो गया। टोटल एनर्जी का बिहेवियर भी नेगेटिव ही है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, और देखिए काइनेटिक एनर्जी के सामने अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये बन जाएगा आपका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के सामने अगर माइनस लगेगा तो क्या बनेगा टोटल एनर्जी। अभी आपको बहुत से सैंपल पेपर सॉल्व करवाएगा, उसमें आपने देखे कि आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ले रहे, तो आप टोटल एनर्जी निकाल दीजिए उसके सामने माइनस का साइन हटा दीजिए आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस आप सामने के स्क्वायर अपॉन आर के सामने हाफ लगा दो, क्या लगा दो हाफ, हाफ लगा दोगे तो आपकी टोटल एनर्जी बन जाएगा। तो हमने एक चीज सीखा यहाँ पे कि टोटल एनर्जी को अगर प्लस कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, और टोटल एनर्जी के सामने का अगर हाफ हटा दिया जाएगा तो वो आपका बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे अपने, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिटल फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी और रेडियस ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला आपको निकालना है। ओके, तो हम इसे देखने वाले हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए बोहर पोस्टुलेट्स, तो बोहर पोस्टुलेट आप जानते हैं कि बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिटल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ h/2π, आपको क्लियर होना चाहिए। बट आप जानते हैं 11वीं क्लास से आपने पढ़े हो एंगुलर मोमेंटम l बराबर होता है mvr, m मास का ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी का, जब r रेडियस से सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो l बराबर हो जाएगा आपका mvr बराबर हो जाएगा आपका nh/2π, बस v को फ्री कर लीजिए तो v रह जाएगा, ये हो जाएगा nh/2π, ये हो जाएगा mr, ये आपका वेलोसिटी बन जाएगी, क्या का फॉर्मूला आ गया आपका वेलोसिटी का। ओके, ये चीज आपको देखना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, रही बात रेडियस की, तो रेडियस भी हम निकाल ले रहे हैं, देखिएगा तो आपने देखे होंगे जब इलेक्ट्रॉन, हमने शुरू में ही पढ़े आज देखिए, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तब दो फोर्स काम करते हैं, एक कूलम्ब फोर्स F=ka²r² और दूसरा सेंट्रीपेटल फोर्स F=mv²r, वही दोनों को हमको लिख देना है यहाँ पे। सिंस F इक्वल्स टू होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बट F बराबर आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, मिला दीजिए दोनों को, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर,
एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया के स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे वी की वैल्यू मुझे रखनी होगी जो आई है, देखिए एन एच अपॉन टू पाई एम आर। तो वी की वैल्यू जो अब भी निकली है वो मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगी वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई एम आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर। तो एम बराबर हो जाए, एम रहेगा रहेगा, एन हो जाएगा एन स्क्वायर, एच स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम का एम स्क्वायर हो जाएगा, आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा के स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कट गया, एक एम से एक एम कट गया, आर आ जाएगा ऊपर, तो आर आ गया है आपका ऊपर, ओके आर ऊपर आ गया है, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर नीचे आएगा और ये एम रहेगा, तो आर बराबर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला आ गया है, ओके इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इजी ढंग से निकल जाता है फॉर्मूले, इन्हें देखिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखते चलिएगा, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम टोटल एनर्जी निकालने वाले हैं, तो ये डेरिवेशन आपको पूरा फुल नोट करना है, देखिए ये वाला, ये डेरिवेशन आपको पूरा फुल नोट करना होगा, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन आपको पूरा नोट करना होगा, ये देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो आपको टोटल एनर्जी तक पूरा डेरिवेशन नोट करना होगा, ठीक है। आप जब पूरा डेरिवेशन नोट करेंगे तो आपका टोटल एनर्जी जो है देखिए कितना आ रहा है, आपकी टोटल एनर्जी आ रही है, आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल पूरा फुल नोट करना है, ये आ रहा है आपका -1/2 ke² / r, कितना आ रहा है -1/2 ke² / r, इसी को अब रख दीजिए आप, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए फुल सॉल्व आपको वही करना है, फुल डेरिवेशन करना है किसका, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी आई, इसलिए थोड़ा सा वर्क बदलेगा, तो आपको देखिए टोटल एनर्जी क्या आई आपकी, देखिए टोटल एनर्जी जो थी आपकी, टोटल एनर्जी वो थी -1/2 ke² / r, ये था आपका, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब लिखना पड़ेगा आपको कि टोटल एनर्जी, देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी जो होगी उसको nth ऑर्बिटल की एनर्जी मानना पड़ेगा, ई एन मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ई एन। तो ये हो जाएगा ई एन बराबर -1/2 ke² / r, बट आपने अब भी पढ़े कि r बराबर क्या होता है, देख लीजिए r बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, तो आप रखेंगे यहाँ पे, बट r इक्वल्स टू आपको रखना पड़ेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ई एन आपका रहेगा रहेगा, ये हो जाएगा -1/2, ये होगा के स्क्वायर के अपॉन में आर, आर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर के अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, आपका रहेगा रहेगा। तो ई एन बराबर होगा -1/2, ये होगा के स्क्वायर के अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर आपका पलट के ऊपर जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा, ये आपका कैंसिल होगा, तो आपका आया देख लीजिए -2 पाई स्क्वायर के एम, के और के क्या हो जाएगा, देखो के और के हो जाएगा के स्क्वायर, एम रहेगा रहेगा अकेला, ई की पावर 2 और 2, ई की पावर 4 हो जाएगा, ई की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ओके ये आपको ध्यान देना चाहिए। फिर से हम स्लाइड को अगले उसमें ला लेते हैं, ई एन जो आया आपका वो कितना आया, ई एन आया है -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की पावर 4 के अपॉन में देख लीजिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, देखिएगा ध्यान से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में हम लगा देते हैं 1, अब 1 का मतलब आप जानते हैं, 1 का मतलब उसी चीज का इंटू उसी चीज का डिवाइड, तो हम सी एच का इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट और एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, हम इसी का इंटू और इसी का क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सी एच का इंटू सी एच का डिवाइड, तो ई एन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की पावर 4 के अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर रहेगा रहेगा, यहाँ पे सी एच अपॉन सी एच हो जाएगा, तो ई एन बराबर हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम की पावर 4
आपके अपॉन में देखिए सी नीचे आ जाएगा, एच की पावर 2 और 1 3 हो जाएगी, और यहाँ पे सी एच के अपॉन में मैंने ये वाले एन स्क्वायर को भेज दिया, ये एन स्क्वायर को मैंने सी एच के अपॉन में भेज दिया, तो ये एन स्क्वायर आ गया इसके अपॉन में। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हियर देखिए माइनस को छोड़ दिया जाए, 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e की पावर 4, और ये सी एच सबका सब कॉन्स्टेंट है। देखिए हियर यहाँ पे देखिए 2 तो कॉन्स्टेंट है, पाई भी आप जानते हो 3.14 कॉन्स्टेंट है, के कूलाम कॉन्स्टेंट आप जानते हो, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट आप जानते हो, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्स्टेंट आप जानते हो, सी स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट आप जानते हो, और एच प्लैंक कॉन्स्टेंट आप जानते हो, ये सब आपका कॉन्स्टेंट है। इसको कहेंगे रेडबर्ग कॉन्स्टेंट करेंगे, कॉन्स्टेंट कहेंगे जिसको आर एच कहते हैं शॉर्ट में, क्या कहते हैं आर एच। तो ई एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस आर एच सी एच के अपॉन में हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला ये भी आपके सामने रेडी है, और आप लिखोगे व्हेन वी पुट वैल्यूज ऑफ आर एच सी एंड एच, देन जो एनर्जी होगी एंथ ऑर्बिटल की वजह की माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी, ये आपका एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंथ ऑर्बिटल के लिए आके रेडी हो चुका है। ओके, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए यहाँ पे कि जो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट होता है आर एच, उसकी वैल्यू होती है आपकी 1.01 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। आप सबकी वैल्यू आपको पता है, तो आप जानते हो पाई 3.14 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे 3.14 के 9 × 10⁹ एम 9.1 × 10⁻³ के जी ई 1.6 × 10⁻¹⁹ सी 3 × 10⁸ और एच 6.625 × 10⁻¹⁴ किलो जूल सेकंड। जब आप इनको रखोगे तो खुद ब खुद आपका 1.01 × 10⁻¹⁷ मीटर इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, ठीक है, वेव नंबर का फॉर्मूला होता क्या है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरा बन जाएगा यूनिट 8, बस आप ध्यान से पढ़िएगा। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, तो वेव नंबर का आपको फॉर्मूला बताना है। तो वेव नंबर एक्चुअल में होता क्या है, जरा इसके बारे में भी बात करेंगे हम। वेव नंबर जो होता है, देखिए वेव नंबर जो होता है उसको हम शो करते हैं न्यू बार से, और न्यू बार बराबर होता है 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, जरा इसको ध्यान से आप देखते चलिए। सबसे पहले सिंस वी नो, हम क्या जानते हैं, देखिए हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ग्राउंड स्टेट में। चलिए पहले आपको मैं इलेक्ट्रॉन की स्टेट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मेटल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो स्टेट का होना कंपलसरी है। एक होती है स्टार्टिंग स्टेट, ग्राउंड स्टेट होती है, और ऊपर वाली जो स्टेट होती है उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ऊपर की जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एक कम होती है ना, n बराबर 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी होती है एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है, कम एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन n इक्वल 1 में जाता है, फिर एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 में जाएगा, फिर एनर्जी और बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाएगा। फिर ये कहीं भी जाए एक्साइटेड स्टेट में, इसको कुछ समय रुकना पड़ता है, इसको कुछ समय रुकना पड़ता है, और रुकने के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आने लग जाता है। जो ऊपर गया वो भी नीचे आने लग जाएगा ग्राउंड में, जो यहाँ पे था वो भी आने लग जाएगा, जो यहाँ पे था वो भी आने लग जाएगा, जो यहाँ पे था वो भी आने लग जाएगा। तो ये वेव नंबर यही तो है, कितनी वेव है, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी वेव लौट रही है, यही है वेव नंबर। हम इसी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को आप देखते हुए चलिएगा ध्यान से, याद रखे जाते समय ग्राउंड स्टेट इनिशियल स्टेट होगी, जाते समय ग्राउंड स्टेट इनिशियल स्टेट होगी, और एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो फाइनल स्टेट होगी आपकी, फाइनल स्टेट। लौटते समय एक्साइटेड स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट होगी, और ग्राउंड स्टेट आपकी होगी फाइनल स्टेट। ओके, इस चीज को आप याद रखना।
तो अब हम इसको निकालने वाले हैं, जरा इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा। तो वेव नंबर जो आप निकाल रहे हो, देखिए तो वेव नंबर के लिए आप जानते हो कि E, अब भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, E इक्वल्स टू होता है, देख लीजिए, माइनस आर एस सी एच अपॉन एन स्क्वायर, ये आपको दिख रहा होगा, माइनस आर एस सी एच अपॉन एन स्क्वायर, E इक्वल्स टू ई एन इक्वल्स टू होता है ये, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे आएंगे, ई एन जो होगा आपका होगा माइनस आर एच सी एच के अपॉन में एन स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान देते चलेंगे कि ई जो होगा ई एनर्जी, वो होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, तो ई रहेगा रहेगा, ई इनिशियल की जगह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ई की वैल्यू रख देता हूँ माइनस आर एच सी एच के अपॉन में एन, एन को लिख देता हूँ, पर एन के फुट में इनिशियल कर देता हूँ, इनिशियल का स्क्वायर, माइनस ई फाइनल के लिए माइनस आर एच सी एच कर देता हूँ मैं, इसके अपॉन में एन, ये कर देता हूँ एफ का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा तो ई एन बराबर हो जाएगा माइनस आर एच सी एच के अपॉन में एन आई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आर एस सी एच के अपॉन में एन एफ स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइड में। तो E इक्वल्स टू आर एच सी एच हमारा निकल गया बाहर, आर एच रिडबर कॉन्स्टेंट है ना, अब अंदर बचेगा माइनस वन के अपॉन में एन एन आई स्क्वायर, सॉरी एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, ये आपका बच्चा है। तो E इक्वल्स टू आर एच सी एच रहेगा रहेगा वन अपॉन, ये हो जाएगा एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन हो जाएगा एन आई स्क्वायर। सिंस E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लेमडा, तो E की जगह पे हो जाएगा आपका सी एच अपॉन लेमडा, E की जगह मैंने रख दिया आपका सी एच अपॉन लेमडा, बराबर हो गया आर एच सी एच के अपन ने वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर, सी एच से सी एच कट गया, आपका आ जाएगा वन अपॉन लेमडा बराबर आर एच वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर, ये आपका आके रेडी है। इसको जरा ध्यान से देखिए, यही आपका वेव नंबर है, यही क्या है आपका वेव नंबर म्यू बार बराबर, तो यहाँ पे आपका वेव नंबर भी खत्म होता है, ओके। इसे आप ध्यान से देखते चलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको हाइड्रोजन एटम की इच सीरीज को, सभी सीरीजों को आपको समझाना है, ओके। तो हम उसे समझा रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और फिर एक्साइटेड में कहीं भी जाए, एन इक्वल टू टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में, सिक्स में, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाए, वो कुछ समय तक रुकते हैं, जिस समय तक रुकते हैं उसको उसका रिलेक्सेशन रेट भी अप्रोक्सीमेटली 10^-8 सेकेंड हो सकता है, रुकते हैं और फिर उसके बाद उनको लौट के आना पड़ता है। अगर वो ग्राउंड स्टेट में एन इक्वल टू वन में आ गए तो वो एक सीरीज बनेंगे, और अगर वो एन इक्वल टू वन तक ना आ पाए और टू तक ही आ पाए तो कुछ अलग सीरीज बनेगी, और टू तक भी ना आ पाए थ्री तक ही आ पाए तो कुछ और सीरीज बनेगी। इस टाइप से देखिए इस फिगर में बताया गया है, देखिएगा ध्यान से, कि लौटते समय जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एन इक्वल टू वन में आ जाए, कहां पे आ जाए, एन इक्वल टू वन भी स्टेट में आ जाए, देखिए एन इक्वल टू वन में, तो इससे हमको लाइमन सीरीज मिलती है और इसका फील्ड अल्ट्रावायलेट रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन आते आते एन इक्वल टू टू तक आ गया तो बामर सीरीज बनेगी और ये विजुअल फील्ड कहलाएगा इसका। अगर वो दो तक भी नहीं आ पाए, सिर्फ एन इक्वल टू थ्री तक आ पाए तो बनेगी आपकी पाश्चन सीरीज, क्या बनेगी आपकी पाश्चन सीरीज, और पाश्चन सीरीज इन्फ्रारेड इन्फ्रारेड फील्ड में बनेगी। और वो थ्री तक भी ना पाए, फोर तक ही आ पाए तो आपकी ब्रैकेट सीरीज बनेगी जो इन्फ्रारेड में ही आएगी, और अगर वो एन इक्वल टू फाइव तक आ पाई तो फुंड सीरीज होगी, पी फुंड बोलते हैं इसको, फुंड, और ये भी इन्फ्रारेड में आएगी, ठीक है, इन्फिनिटी से लौट रही है। तो इस टाइप से हाइड्रोजन की फाइव सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये आपको क्लियर होगी, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, लाइमन और बामर हम आपको करा देते हैं, पाशन ब्रैकेट फंड आप खुद करिएगा। देखिए तो लाइमन हम आपको करवा दे रहे हैं, लाइमन के लिए मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ हम आपको करा दे रहे हैं लाइमन बामर के लिए, बाकी पाशन ब्रैकेट फंड के लिए आप खुद ही करिएगा, ओके, बहुत इजी है। देखिए तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज बस एक और क्वेश्चन बचता है, इसके साथ ही आपका वन शॉट वीडियो एंड होता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एटम चैप्टर अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए लाइमन सीरीज के लिए सबसे पहले हम लैम्डा मिनिमम की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बात करेंगे लैम्डा मैक्सिमम की, ठीक है। देखिए तो आपको पता है कि वन अपॉन लैम्डा बराबर, अब भी पढ़े हमने आर एच,
वन अपॉन एन एफ स्क्वायर फाइनली माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर इनिशियली, ये होता है। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, मिनिमम के लिए फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है उसको एन इक्वल्स टू वन में लौट के आना पड़ेगा। फाइनली काय में लौट के आना पड़ेगा, देखिए लाइमन के लिए एन इक्वल्स टू वन में दिख रहा होगा आपको, एन इक्वल्स टू वन में लौट के इसको आना पड़ रहा है, ठीक है, एन इक्वल्स टू वन में आना पड़ेगा। तो ये एन इक्वल्स टू वन लिख दिया हमने। अब मिनिमम में कहाँ से आएगा, मिनिमम में एक इनिशियल, उसका इनिशियल स्टेट क्या होगा, इनिशियल एक ऊपर वाला होगा, फाइनली एक में आ रहा तो इनिशियली ऊपर क्या होगा, एक से ऊपर दो होता है। रख दीजिए वन अपॉन लेमडा बराबर हो जाएगा आर एच, हो जाएगा वन अपॉन फाइनली मतलब वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन इनिशियल इक्वेशन से आ रहा है। तो वन अपॉन लेमडा बराबर हो जाएगा आर एच वन बाय वन माइनस वन बाय फोर, तो वन अपॉन लेमडा बराबर हो जाएगा आर एच फोर वन जा फोर थ्री थ्री बाय फोर होगा, तो वन अपॉन लेमडा बराबर हो जाएगा थ्री आर एच अपॉन फोर, पलट दीजिए लेमडा को, लेमडा पलटेगा फोर के अपॉन में आ जाएगा थ्री आर एच। तो आपका लेमडा आ चुका है, लेमडा मिनिमम क्या आ चुका है, लेमडा मिनिमम। अब लैम्डा मैक्सिमम की बात करते हैं, लैम्डा मैक्सिमम के लिए भी उसको फाइनली वन में आना पड़ेगा। अब इनिशियली कहाँ से, इनिशियली इन्फिनिटी से, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका आर एच वन अपॉन फाइनली, फाइनली मतलब एक में आ रहा है और कहाँ से, इन्फिनिटी से आ रहा है, वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा आर एच वन बाय वन और ये तो जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा आर एच अपॉन वन, तो लैम्डा जाएगा ऊपर वन के अपॉन में आ जाएगा आर एच, ये आपका मैक्सिमम आ गया लाइमन के लिए। बामर के लिए मैं आपको कर दे रहा हूँ पार्शियल ब्रैकेट फंड, आप करिएगा। अब फॉर बाल्मर सीरीज देखिए, बामर बोलते हैं उसको, पर उसकी स्पेलिंग बाल्मर में आती है ना सीरीज, तो इसके लिए भी आप जानते हैं वन अपॉन लेमडा बराबर तो आर एच होता है, वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर होता है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे फॉर लेमडा मिनिमम और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं फॉर लेमडा मैक्सिमम, ध्यान दीजिए फाइनली चाहे लैम्डा मैक्स रहे चाहे लैम्डा मिनिमम रहे, बामर सीरीज फाइनली एन बराबर दो पे खत्म होती है, एन इक्वल टू काय में खत्म हो रही, देखिए एन इक्वल टू टू पे खत्म हो रही, बोले एन इक्वल टू टू पे, तो फाइनली एन इक्वल टू टू पे खत्म होगी। अब मिनिमम के लिए इनिशियल एक ऊपर होगा, दो से एक ऊपर तीन, और इसके लिए मिनिमम होगा इनिशियल होगा इन्फिनिटी, मैक्सिमम के लिए है ना इन्फिनिटी, तो वन अपॉन लैम्डा रख दीजिए आर एच रहेगा वन अपॉन एन एन एफ मतलब दो का स्क्वायर माइनस वन अपॉन तीन का स्क्वायर, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा आर एच वन बाय टू का फोर थ्री का नाइन, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा आर एच नाइन वन जा नाइन फोर वन जा फोर नाइन से फाइव आएगा, फाइव आर एच अपॉन नाइन छत्तीस छत्तीस, तो लैम्डा ऊपर जाएगा थर्टी सिक्स के अपॉन में आ जाएगा फाइव आर एच, ये आपको लैम्डा मिनिमम बताएगा। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए वन अपॉन लैम्डा बराबर आर एच रहेगा वन अपॉन एन एफ, एन एफ की जगह दो का स्क्वायर माइनस एन आई इन्फिनिटी का स्क्वायर, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा आर एच वन बाय फोर, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर आर एच बाय फोर, लैम्डा ऊपर जाएगा फोर के अपॉन में आ जाएगा आर एच, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इसको ध्यान से देखते हुए आप लोग चलिएगा। तो ये लाइमन बामर मैंने करा दिया, पाश्चन ब्रैकेट फोर्ड में कुछ नहीं करना है, पाश्चन में एन एफ बराबर आपको थ्री रखना है, और मिनिमम के लिए इनिशियल वाला एक ऊपर वाला थ्री के ऊपर फोर आएगा, और मैक्सिमम के लिए एन आई जो रहेगा इन्फिनिटी रहेगा, ब्रैकेट के लिए एन एफ आपका कितना होगा फोर होगा, के लिए एन एफ, ठीक है, मिनिमम में एक ऊपर वाला और मैक्सिमम में इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और उसके साथ ही ये खत्म, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर एंगुलर मोमेंटम यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन के बेस पे बोहर के एंगुलर मोमेंटम को आपको समझाना है, और में क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका एक बार कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन डेफिनेट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिटल पे घूमता है डी ब्रोगली के बेस पे, आपको समझा बहुत इजी है। देखिए डी ब्रोगली क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देखिए इनटू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल्स होता है एच अपॉन पी, ओके, बट
टी बराबर तो आपका एम वी होता है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा एच के अपॉन में एम वी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग बात खत्म होती है। अब बोहर के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम समझाना है, तो बोहर का पोस्टुलेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल हो, एच अपॉन टू पाई का क्या हो, मल्टीपल। बट 11वीं क्लास में आपने पढ़े कि एल बराबर तो एम वी आर होता है, मास वेलोसिटी रेडियस का प्रोडक्ट, तो एल की जगह हम रख दे रहे एम वी आर बराबर हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई। आगे बढ़ेंगे हम, इक्वेशन 1 में एम वी मिल रहा है हमें, एम वी तो हम एम वी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो एम वी रहेगा रहेगा एन एच रहेगा रहेगा, इसके अपॉन में आ जाएगा टू पाई, और ये आर एम वी के साथ जो आ रहे हैं वो इनटू से आ जाएगा डिवाइड में। एम वी की वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई आर होती है, इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लैम्डा रहेगा रहेगा एच रहेगा रहेगा, एम वी की जगह हमने रख दिया एन एच के अपॉन में टू पाई आर, एस एच कट गया, लैम्डा बराबर टू पाई आर पलट के आपका ऊपर से आएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा एन, तो टू पाई आर बन जाए टू पाई आर, एन का लैम्डा में तो एन लैम्डा। इसको ब्रेग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, ब्रेग इक्वेशन। और इससे एक बात प्रूफ होती है कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिटल में घूम सकता है, क्योंकि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, 2 पाई आर क्या है सर्कमफ्रेंस, और n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 आपके क्वांटम नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिटल में घूमता है विथ डेफिनेट वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ भी डेफिनेट होती है। ये चीज भी यहाँ से प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। और यहाँ पे आपका वन शॉट वीडियो पूरे फुल ढंग से खत्म होता है। तो इस वन शॉट वीडियो में हमने एटम चैप्टर को पूरा खत्म किया है। अब अगला वन शॉट वीडियो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड रहेगा, वो तो खैर छोटा सा ही चैप्टर है, उस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है, फिर हम और अगले चैप्टर आपको करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।